मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। और अगर इन लोगों ने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया तो? क्या मतलब? मुझे नहीं, मेरी दौलत को चाहते हो? मैं और तमन्ना शादी कर रहे हैं। ये किस चीज की आवाज है? मुझे लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये चक्कर है तमन्ना जी। अब तो मैं तुम्हारी जड़ों तक पहुंच जाऊंगी और तुम पर ऐसा वार करूंगी कि जाकर भी संभल नहीं पाओगी। जस्ट वेट एंड सी। मैंने तुम इन्हें बता क्यों नहीं देती कि हम दोनों का रिश्ता क्या है? गैरों के लिए अपनों को छोड़ना कोई अक्लमंदी वाली बात है? उसने ये मेरे लिए गैर नहीं है। क्या मतलब? मैं शादी कर रही हूँ। किससे? अली से। अली सर से? तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैंने तो अली सर को बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारे माँ बाप यहीं पर हैं? कैसे बता दूं मैं हुस्ना? जब तक बाबा की नाराजगी खत्म नहीं हो जाती मैं अली के सामने बिला वजह शर्मिंदा नहीं होना चाहती। ये तुम्हारी शादी है, मामू जान मामी जान अगर नहीं होंगे तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? तुम जान नहीं सकती हुस्ना, जिस दिन से मैं अम्मा और बाबा से मिली हूँ ना, तब से मुझ पर क्या गुजर रही है। हुस्ना, तुम मेरा एक काम कर दो ना, तुम बाबा को मना लो। तुम कर सकती हो, हम फिर से साथ में रहेंगे। उसने मना लो ना उनको। मैं पूरी कोशिश करती हूँ। जब निकलूं देर हो रही है। हाँ हुस्ना। हाँ, घर में किसी को मेरी शादी का मत बताना। मैं ये खुशखबरी खुद सुनाना चाहती हूँ। समझ रही। उसने अमर मिनी को मिला। कैसा है? तो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? हमारा बेटी हमसे दूर है, अब उसको कब मिलेगा? बहुत जल्द मिलने आएगी। ओए 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 ओए, अब पता लगा। अब मैं समझा, मुझे इसके साथ ऑफिस क्यों नहीं जाने दिया। झूठ बोला मेरे साथ। अम्मा, अम्मा तू सुनती है मेरी बात? खुदा के वास्ते चुप करो, अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है। उसके मामा ने सुन लिया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। वो इसका मामा सुनता है तो सुन ले, मगर आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। वो मेरे साथ झूठ बोला, वो मुझे धोखा दिया, और तुम मेरी इजाजत के बगैर मीना से मिलने गई है। चुप कर दे, चुप कर। और मैं चुप नहीं रहूंगा। अम्मा तू सुनती है? बाहर आ तू। बच्चा बेटा बाहर। Yes? तो आप? अरे अरे, मुझे बता देती, कोई काम था? I just have a surprise for you. Better? Surprise? This is the surprise. ये क्या है? ये वो सेट है जो तुम्हारे डैड ने मुझे मेरी शादी पे दिया था और मैंने तब से संभाल के रखा हुआ था कि मैं तुम्हारी दुल्हन को पहनाऊंगी। अरे पुप्पो, मैं तो परेशान हो रहा था कि कहीं आप नाराज ना हो। पागल हो गए, मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? इतना खुशी का मौका है। पता है भाईजान तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप के गए थे, बस मैं चाहती हूँ कि खैर खैरियत से तुम्हारी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाऊँ। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। अली, एक बात याद रखना। जी। अपनी फुप्पो को याद रखना, और ये बात भी कि मेरा तुम्हारे और एनी के अलावा और कोई नहीं है, तुम दो ही मेरे बच्चे। वो कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप ही तो हैं मेरी बड़ी। आपने सारी जिंदगी कितना किया है मेरे लिए। मैं आज जहां भी हूं, जो कुछ भी हो, सिर्फ आप ही की तो वजह से हूँ। Oh, that's so sweet of you to have said. अच्छा, now listen, ये सेट तुम मेरी तरफ से तमन्ना को दे देना। आप खुद देना, उससे ज्यादा खुशी होगी। I would have done that, लेकिन क्या करूँ, मेरी एक मीटिंग लाइंड अप है, पर I guess वो मेहमान भी आ चुके होंगे और मुझे जाना है। I'm so sorry. तुम दे देना। Okay. तुमने दिया, मैंने दिया, एक ही बात है। हमेशा खुश रहो। Take care. पापा सुना, मेरे साथ तो झूठ बोला ही बोला, आपके साथ भी झूठ बोला इन दोनों ने। मिलने गई थी उस लाडली से आपकी। माफ कर दीजिए मामा जी। सारा कसूर मेरा है। मैं अगर तुम दोनों के रास्ते की दीवार हो तो इस रास्ते की दीवार को हम जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मैंने के बाबा, भाई रोको इसको, वो रोको। मैंने के बाबा, माजिद बचा जाओगे। वो खुदा के लावारिस है, वो रोको इसको, वो ये कुछ कर लेगा, वो रोको। माजिद, मैं पकड़ूंगा। आप मेरा से मिलो, आप मेरा से अली, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। अली, मुझे एक अलग घर चाहिए। बाजी, आपने बताया नहीं मीना को कि हमने ना हुसना का रिश्ता अपने बिल्लू से तय कर दिया। वो मैं बताने ही वाली थी। मैंने आपसे कुछ छुपाया है। अली, मेरे पेरेंट्स इसी शहर में हैं। वो ये देखो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, हमको मरने दो, हमको रोटी नहीं खाना है। कैसी बातें कर रही हैं? खैर यू नो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। मुझे अम्मा से मिलना है। सर तुम ना मिलो तो बेहतर है, ये वक्त मुनासिब नहीं है ना। मुझे अम्मा से मिलना है। मीना, मीना वो अम्मा। मीना, हमारे बुकू, हमारे जान, वो तो मांगे सुध की कुर्बान। हम ना तुमको अपने साथ ले जाने के लिए आए, अब तुम हमारे साथ चलोगे। जाने पर मामू जान को पता चलेगा तो मसला खड़ा हो जाएगा। अब जो मर्जी हो जाए, हम अपने बेटी को नहीं छोड़ेगा अकेला। हमारा जान है तू। यहाँ देखता है। I'm really sorry sir, नईम साहब को भी जरूरी काम था, नहीं आ सके, और मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपको कंफर्म कर दूंगा। इजाजत है सर। थैंक यू। अली, ये लॉयर किस लिए आया हुआ था? वो मैं तमन्ना को घर लेकर दे रहा हूँ। घर? कौन सा घर? मेरा मतलब है कि जी आप यही सोच रही हैं ना कि शादी के बाद तो उसने यही रहना है, तो फिर घर की क्या जरूरत है? वो एक्चुअली अपने पेरेंट्स को घर लेकर देना चाहती। पेरेंट्स? मेरा मतलब है कि इससे पहले तो उसने कभी अपने पेरेंट्स का जिक्र तक नहीं किया। उसके पेरेंट्स जिंदा हैं? जी जिंदा हैं और इसी शहर में रहते हैं। शायद उससे नाराज थे इसलिए कभी जिक्र नहीं किया। मैं पूछ सकती हूँ कि उसके पेरेंट्स उससे क्यों नाराज हैं? आखिर वो लोग हैं कौन? मतलब उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है? एनीवे, जो भी है अली, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि इस तरह से तुम उस लड़की के ऊपर अपनी दौलत लुटा रहे हो। थोड़ा सा हौसला करो, पहले तो तुम्हारी बीवी तो बन जाए। वो मुझे उस पर पूरा भरोसा है और वो मैं अब अलग तो नहीं है। जो कुछ मेरा है वो उसी का तो है और उसने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। मैं उसकी ये ख्वाहिश रद्द नहीं करूँगा। अली, तुम एक जीरो की तरह से हो जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो जिस डिजिट के साथ जुड़ जाता है ना, उसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ा देता है। सदके जाऊं, कितनी प्यारी लग रही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठ ना, इधर इधर आ, इधर बैठ 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 बैठ। अब मैं आप लोगों के लिए लाई थी तोहफे, ये आपके लिए। हाँ हाय, कितना सोना सूट है, बना लिया, इतना नाम बना लिया। जो भी चैनल लगाऊ ना बस मीना ही नजर आती है मेरी बच्ची। हुस्ना, तुम्हारे लिए। और इधर देना, इससे क्या पता, इसके जहेज में रखूंगी। बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा है वैसे। बाजी, आपने बताया नहीं मीना को कि हमने ना हुस्ना का रिश्ता अपने बिल्लू से तय कर दिया। वो मैं बताने वाली थी। मुबारक हो हुस्ना, तुमने बताया नहीं। छोड़ो इन बातों को, तुम बैठो। तुम ये बताओ, वो तुम खुश तो है ना? ठीक तो है ना तुम? हम बहुत खुश हैं अम्मा, और मैं ना अब आपको, बाबा को और हुस्ना को अपने साथ लेके जाऊंगी। आ गई ना अपनी औकात पे तमन्ना। घर, फिर गाड़ी, सब कुछ अली से निकलवाएगी। नहीं, मैं यूं अली का पैसा जाया नहीं होने दूंगी। ये मेरी दौलत है और इतनी आसानी से उसे मैं तुम पे लुटाने नहीं दूंगी। हाँ, हम तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे हैं। चलो, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। मुझे आज ही तुमसे मिलना है। कहाँ? तुम्हारे घर पे आ जाऊँ? नहीं, शायस्ता पाजी बताएं ना, फिर क्या सोचा है आपने? पाजी भी आने वाले होंगे। मामी जान, आज मैं बाबा को मना लूंगी। मैं अम्मा, बाबा और हुस्ना को अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं भाई, मेरी तो नूह जो है ना मेरे पास ही रहेगी। बस हुस्ना की बारात मेरे घर से निकलेगी। चलो भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हुस्ने, हम तुम्हारे लिए फ्रूट लाए हैं। वो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा, हमारा बात सुनो, एक बार हमको मक्कर जाओ। मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तुम जानते हो तुम्हारी मीना शादी कर रही है। शादी? हम उसको दुल्हन बनने से पहले ही बेवा कर देगा। चल तू परेशान ना, शायद तू भूल रही है इसमें नेकी एक कमजोरी अभी भी हमारे पास है जो हमारी हर जरूरत को पूरा करेगी। बस मेरी शादी करा दे। ये लो। ये क्या है? रख लो। हमने तुमको पहले भी बताया था ना कि हमको तुम्हारा ये पैसा मैसा नहीं चाहिए। जो काम तुम करने जा रहे हो ना, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। करना क्या है? तुम जानते हो तुम्हारी मीना शादी कर रही है। शादी? किससे? हम उसको दुल्हन बनने से पहले ही बेवा कर देगा। हौसला आराम से। अच्छा, हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना, बहुत समझदारी, बहुत होशमंदी से काम करना। हमको तुम्हारा ये नसीहत नहीं सुनना है। हमको ये बताओ कि वो शादी किससे कर रहा है? मेरे भतीजे से। याद है जिस पर तुमने गोली चलाई थी? अच्छा, अच्छा है। अब हम एक तीर से दो शिकार करेगा। नहीं नहीं अब्दुल कादिर, सुकून करो थोड़ा। करोगे तुम वही जो मैं तुम्हें बताऊंगी। वेटर, क्या हो गया तुमको? ये कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। अगर ये तुझको इतनी प्यारी है तो तुम भी निकल जाओ। मुझे? चुपचाप, जो जाना चाहते हैं जाए यहाँ से। मुझे किसी का जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर इस घर से बाहर निकला ना तो तुम्हारा हमारा ताल्लुकात खत्म। हम जाता है अम्मा, हम नहीं चाहता हमारे वजह से तुम और पापा। ठहरो, तुम कहीं नहीं जाएगा, हम तुम्हारा साथ जाएगा। अरे शायद सबा जी क्या कह रही हैं आप? आपने पाजी की बात नहीं सुनी? सुन लिया मैंने, सब सुन लिया। हम एक बीवी के साथ साथ एक माँ भी, हम अपने जवान बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकते, हम इसके साथ ही जाएगा। और तुम भी निकलो अभी, इसी वक्त निकलो। चलो मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही किनारा, मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। खुदा, नहीं वो कितना खूबसूरत घर है, वो ये इसका मालिक देखेगा तो नाराज होगा। निकलो निकलो। अम्मा अम्मा अम्मा, हाँ ये आज से आपका घर है। हाँ हमारा, वो कसम से, वो खुदाया तेरा शौक, माशाल्लाह वो कितना खूबसूरत घर है, हैं? वो कितना खूबसूरत घर, वह इतना नरम, माशाल्लाह वो कितना खूबसूरत घर है। वो ये घर नहीं, ये तो जन्नत है, जन्नत। हाँ ये तो कुछ भी नहीं अम्मा, हमारा बस चले ना तो हम दुनिया का हर नेमत तुम्हारा कदमों में रखते। वाह कुर्बान, हमारा बच्चे वो सलामत रहे, बहुत दिल खुश हुआ हमारा। आज तुम्हारा बाबा भी यहाँ पे होता ना तो बहुत खुश होता, मगर फिक्र ना करो, बाबा भी मान जाएगा। वो नहीं मानेगा, वो मान भी गया ना तो वो जो उसने है ना, उसने वो उसको नहीं मानने देगा, हमको पता है। अम्मा तुम अभी तक हुस्ना के खिलाफ है, उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, नौकरी करके घर चला रहा है। वो कुछ नहीं किया उसने, हर वक्त तुम्हारा बाबा को तुम्हारे खिलाफ भड़काता रहता है और खुद अच्छा बनने के लिए ड्रामा करता है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, उसना तो दूसरा की खुशी के लिए अपना नुकसान कर ले। वो छोड़ो, नुकसान कर ले। अच्छा ठीक है ना, छोड़ो इसको। चलो अब तुमको तुम्हारा कमरा दिखाता है, और जो इतना सारा कपड़ा खरीदा है ना हमने तुम्हारे लिए, वो भी दिखाता है। वो हमारे लिए? हाँ यार वो कपड़ा, चलो वो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। और बिल्लू उठ जा, बिल्लू। क्या हुआ माँ? भैंस गई पानी में। हुआ क्या है? तू बड़ा सोता रो, इतना बड़ा नुकसान हो गया। ओ कैसा नुकसान? वो अपनी मिना आई थी। ओ तेरी खैर हो जाए, पापा जी ने तो नहीं देखा? वही तो, घर से निकाल दिया उन्होंने। ला तो इसमें कौन सी नई बात है? एक तो मुझे इस मीना की समझ नहीं आती, दौलत शोहरत पैसा सब कुछ है, पता नहीं क्यों आ जाती है बार बार यहाँ अपनी बिस्ती कराने, समझ से बाहर है माँ। ये दौलत शोहरत से रिश्ते नहीं खरीदे जाते, इनका कोई मोल नहीं होता। अरे माँ आज बड़े फलसफे जा रही है, मैं नहीं बात करता। अच्छा चल माफ कर दे, बता क्या हुआ? होना क्या, बाजी शायस्ता मीना के साथ चली गई है। अच्छा तो भला इसमें तू क्यों परेशान हो रही है? बता भला मैं क्यों ना परेशान हूँ, वही तो पैसों का जरिया थी हमारे लिए। वो अपनी माँ को साथ लेकर चली गई है तो अब वापस थोड़ी आएगी वो। इतनी मुश्किल से मैंने तेरे कारोबार के लिए पैसों की बात की थी, ये पाजी ने ना सौरे किए किराए पे पानी फेर दिया। चल तू परेशान ना हो, शायद तू भूल रही है इसमें नेकी एक कमजोरी अभी भी हमारे पास है जो हमारी हर जरूरत को पूरा करेगी। बस मेरी शादी करा दे, फिर देख करता क्या हूँ। शफीक साहब को भेज दे मेरे ऑफिस में। मैं कमिंग सर, आ जाए बैठे। थैंक यू सर। मुझे प्रोजेक्ट मेहरबान के अकाउंट्स की फाइल चाहिए। मेहरबान के अकाउंट्स की फाइल? लेकिन सर वो तो मेरे पास नहीं है। नहीं है? नहीं है का क्या मतलब है? सर वो मेरी सूचना के पास, लेकिन वो तो शायद आज नहीं आई। जी सर। वो फाइल्स बहुत जरूरी हैं, मैंने कल कुछ बैंक के मामला देखने हैं। तुमने आज की लीव के लिए अप्लाई किया था? नहीं सर। हाउ इररिस्पॉन्सिबल, ना किसी को फाइल का बताया, बिना बताए छुट्टी कर ली। व्हाट इज दिस? सर वो ऐसी लड़की नहीं है, बहुत जिम्मेदार लड़की है वो। शायद कोई इमरजेंसी होगी उसको। वैसे भी एक गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक है उसका और अकेली घर की कमाने वाली। ठीक है, उसका नंबर मुझे टेक्स्ट कर दें। उसके पास मोबाइल नहीं है सर। लैंडलाइन तो होगा? हाँ वो है, मैं भिजवाता हूँ सर। थैंक यू। अम्मा, हमको तुमसे एक बात करना है। कोई परेशानी? तो फिर बोलो, क्या बात है? अम्मा वो हम शादी कर रहे हैं। अम्मा नाराज मत होना, अली बहुत अच्छा लड़का है, हमारा बहुत ख्याल करता है। अम्मा आज तक जो कुछ भी है ना उसकी वजह से है। बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, फिल्में बनाता है और हमको बहुत पसंद भी है। ओए कुर्बान, हमारा जाने तुमने आज हमारा दिल खुश कर दिया। ये तो हमारा ख्वाब था कि हम तुम्हें दुल्हन का जोड़ा में देखें। विसत की कुर्बान। अच्छा हमको ये बताओ कि तुम हमको उससे मिलवाएगा नहीं? क्यों नहीं अम्मा, लगता वही आया। हेलो तमन्ना। हाय। तुम्हें नया घर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो। की इतनी बातें सुनी थी तमन्ना से, लेकिन आप तो तमन्ना से बढ़कर निकली। आप इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, मैं सोचता था कि तमन्ना किस पर गई है। हमारा पूरा खानदान भी यही कहता है कि मीने हम पे, वो हम तो शुक्र करता है खुदा का कि मीने अपने बाप पे नहीं गया, और वरना दाढ़ी माड़ी निकल आता। आंटी मेरा घर भी इधर पास ही है, कभी आए ना हमारे घर, मेरी मामा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। नहीं बेटा नहीं, वो आम तुम्हारे मामा को मिलके क्या करेगा, आम तो तुम्हारा अम्मा से मिलेगा ना। मेरा मतलब है मेरी माँ जी। अच्छा अच्छा, तुम तो माँ जी को मामा बोलता है, जरूर मिलेगा। अच्छा हमको एक बात बताएगा तुम? जी जी। अली कैसा लड़का है? मेरे कहने का मतलब है कि उसके खानदान में कौन कौन है, माँ भाई बहन कितने? आंटी उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, लेकिन एक फुप्पो है उनकी जो उसका सारा कारोबार और घर चलाती है, और वो उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करती। माशाल्लाह, फिर तो बहुत फर्माबरदार बचे है। फर्माबरदार तो हो गई, क्योंकि वो उसकी सारी गलतियों को छुपा जो देती है। क्या मतलब? आंटी आप किसी से जिक्र ना कीजिए। नहीं नहीं, आप किसी को नहीं बोलेगा, तुम हमको बता। पिछले दिनों उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया था, गोली लगी थी, सुना है कि किसी लड़की के साथ चक्कर था उसका।